हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, अपन चर्चा कर रहे थे रेड साइंस फिजिक्स के जो टॉपिक है उनके बारे में। तो अपना टॉपिक था फोर्स या बल, जिससे रिलेटेड दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो आज अपन चर्चा करेंगे बल या फोर्स से बनने वाले ऐसे क्वेश्चन जो पहले के रिट एग्ज़ाम में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं उनके ऊपर, और जो आने की संभावना है उन क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो देखने के पश्चात कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं फ्रेंड्स। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं उतनी खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, बाद में अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य या बराबर है होता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है। रिट 2015 में आया हुआ है, जिसमें आप इसे देख सकते हो पेपर उठाकर। उसमें फिजिक्स वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ऑप्शन देखिए, 10 की घात 4, 10 की घात 5, या 10 की घात 3, या 10 की पावर 6। यानी कि पहला ऑप्शन तो दे रखा है 10 की पावर 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10 की पावर 5, तीसरा 10 की पावर 3, और चौथा जो ऑप्शन है वह 10 की पावर 6। तो फ्रेंड्स, जब अपन ने न्यूटन या बल वगैरह पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने कितने डाइन के तुल्य या बराबर है होता है, तो वह होता है 10 की पावर 5। यानी कि जो अपना बी ऑप्शन है इसके अंदर वह क्या होगा, सही होगा। आपको ये जरूरी याद रखना है क्वेश्चन, क्योंकि रिट 2015 में भी ये क्वेश्चन है आ चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी, 2 किलोग्राम भार तुल्य होता है, यानी 2 किलोग्राम जो भार होता है वह तुल्य माना गया है, किसके तुल्य माना गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन की भी विशेषता क्या है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी रिट 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यानी फ्रेंड्स, अपन ने ऐसा टॉपिक लिया है बल जिससे लगभग प्रत्येक रिट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इस पर भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है, ऑप्शन 27 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, और 264.6 न्यूटन, और 2700 न्यूटन। तो फ्रेंड्स, जब अपन ने वीडियो देखा था तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद है तो, 1 kg बराबर कितना आ रहा था, 9.8 न्यूटन आ रहा था। 1 kg बराबर आ रहा था 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पर पूछा है 27 किलोग्राम, तो 1 kg अगर है तो 27 पूछा अपने को, तो 27 × 9.8 कर देंगे और इसका हल निकालेंगे तो फ्रेंड्स अपना आएगा 264.6 देखने को मिलेगा। इस आधार पर अपन देखेंगे कि अपना जो थर्ड ऑप्शन है वह इसमें क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड, संख्या चेंज होती है लेकिन मेथड यही रहती है। बस अपने को ये ध्यान रखना है 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन होता है, तो अब अगला कितने किलोग्राम पूछता उससे मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है। ये अपन ने मान लिया कि फ्रेंड्स अपने पास एक ये पिंड है, इसका भार कितना है, 0.75 ग्राम इसका भार ले लिया। द्रव्यमान का एक पिंड, द्रव्यमान है सॉरी, द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी, ये मान ली छत से टंगी एक डोरी रस्सी से लटका हुआ है। ये छत से टंगी एक डोरी रस्सी से अपन ने इसे लटका दिया, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लग रहा है। अब यानी कि अपनी ये डोरी है ना, इसके द्वारा इस पिंड के ऊपर कितना बल लग रहा है, अपने को ये निकालना है फ्रेंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं, एग्जाम में छोड़ना नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अपने एक छोटा सा सूत्र बताया था मैंने, एफ बराबर एम जी। तो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान अपने को दे रखा है 0.75 दे रखा है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान 9.8 होता है।
तो फ्रेंड्स यह हल करेंगे तो अपना आंसर इसके अंदर आएगा अपने 7.35 न्यूटन, ये अपना इसका आंसर है आता है फ्रेंड्स। तो इस सूत्र के आधार पर अपन यह कर सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं जहाँ इजी सा क्वेश्चन लगता है आंसर आ जाता है, और अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है टफ है अपन छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7.35 न्यूटन, यानी कि सेकेंड सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स फिर, निम्नलिखित में से बल का मात्रक नहीं है, ऑप्शन पाउंडल, डाइन, जूल और न्यूटन, ये चार दे रखे हैं फ्रेंड्स अपने। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि जो पाउंडल है वह जो अपनी एम के एस पद्धति होती है ना उसके अंदर अपन मानते हैं कि इसका मात्रक है, होता है बल का मात्रक होता है, जिसमें एक पाउंडल बराबर मैंने आपको बताया था 13,825.7 डाइन होता है, अगर याद है वीडियो तो उसमें बताया था। और उसके पश्चात जो डाइन होता है वह कौन सा मात्रक होता है फ्रेंड, सीजीएस मात्रक होता है, जिसमें एक न्यूटन बराबर कितना होता है 10^5 डाइन होता है, ये आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड्स। फिर अपन मानते हैं कि न्यूटन भी इसी का मात्रक होता है, तो लेकिन जो जूल है थर्ड अपने वह अपन मानेंगे कि बल का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जूल जो होता है फ्रेंड्स वह किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक मानते हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन इसमें अपने आंसर क्या होगा, थर्ड जून। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अपने, निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, यानी दूरी पर जो बल कार्य नहीं करता, ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युत बल, तो इनमें से दूरी पर कौन कार्य नहीं करता, देखिए फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह क्या करता है, ऊपर से वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, ये भी कार्य करता है, चुंबकीय बल भी दूरी से कार्य करती है, विद्युत बल भी करती है, लेकिन जो घर्षण बल होता है फ्रेंड्स थर्ड अपने यह दूरी से कार्य नहीं करता है, इसे क्या होता है संपर्क में आना जरूरी होता है, इसलिए अपन मानेंगे कि घर्षण बल दूरी से कार्य नहीं करता, और अपना आंसर क्या होगा थर्ड सही होगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं फ्रेंड्स, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लुढ़ती हुई गेंद पर लगने वाला बल, ये एक बॉल है फ्रेंड्स और ये लगातार क्या हो रही है लुढ़क रही है, तो इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, लोटनी घर्षण या कर्षण, तो इन चारों में से अगर अपन देखते हैं तो फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा था वीडियो में कि जो लुढ़कती हुई गेंद होती है उस पर बल कौन सा लगता है, हमेशा लोटनी, लोटनी यानी लोटती हुई, तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। अब स्थैतिक घर्षण तो कहाँ लगता है फ्रेंड, जब कोई वस्तु स्थितिज अवस्था में बनी हुई है तो उस पर जो घर्षण लग रहा है वह स्थैतिक घर्षण। गतिक घर्षण अपन कह सकते हैं फ्रेंड, गतिक घर्षण की अगर अपन बात करते हैं तो गतिक घर्षण कब लगेगा, गतिक घर्षण की यहां पर अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, स्थितिज घर्षण तो कब लगता है, जब वस्तु क्या होती है स्थितिज अवस्था में होती है, तो उसको स्थितिज बनाए रखने के लिए जो घर्षण लग रहा है वह स्थितिज। गतिक घर्षण अपन कह रहे हैं कोई भी वस्तु है उसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए इधर से बल लग रहा है, गति कर रहा है, इस गति का विरोध अगर कोई बल कर रहा है, इस गति का विरोध कोई बल कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण बल हो जाता है, स्थितिक हो गया। अब कर्षण जो बल होता है फ्रेंड्स, कर्षण क्या होता है, ये अपन मानते हैं कि ध्रुव अवस्था में कोई पदार्थ होता है उस पर जो घर्षण बल लगता है वह क्या होता है, कर्षण के नाम से अपन उसे जानते हैं। तो लुढ़कती हुई गेंद पर तो जो लगने वाला बल होता है फ्रेंड्स वह अपना क्या होता है, लोटनी घर्षण होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन अपना इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स फिर, निम्नलिखित में से किस घटना में पेशीय बल कार्य कर रहा है, यानी पेशियों को काम में लिया जा रहा है, ऑप्शन चुंबक का लोहे पर चिपकना, पेड़ से सेब टूटकर जमीन पर गिरना, ऊंट द्वारा गाड़ी खींचना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, अपन सब सही कर सकते हैं, ऊंट द्वारा जो गाड़ी को खींचा जाता है वहां पर ऊंट के शरीर की पेशियां कार्य कर रही है, यानी कि यह क्या एक पेशीय बल है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल होता है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल, ऑप्शन वस्तु के द्रव्यमान के बराबर, वस्तु के आयतन के बराबर, वस्तु की आकृति के बराबर या वस्तु के भार के बराबर,
तो इनमें से फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वह हमेशा किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है, जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो होगा वह अपना इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह जो होती है, चंद्रमा की सतह से यदि एक चट्टान का टुकड़ा लाया जाता है, चंद्रमा से ला रहे हैं अपन एक चट्टान का टुकड़ा लाया जाता है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नियत रहेगा। भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे और भार तथा द्रव्यमान दोनों परिवर्तित रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन की तो फ्रेंड्स आप जरूर आशा रखिए कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर आपको याद है तो वीडियो में अपन ने एक न्यूमेरिकल सा किया था व्यक्ति के भार का, यानी कि पृथ्वी सतह पर अगर व्यक्ति का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो उसके लिए मैंने एक ही बात बताई थी फ्रेंड्स, ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने बताया था कि चंद्रमा के ऊपर अपने क्या होता है, 1/6 गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो वहां पर से मान लीजिए चंद्रमा की सतह से अपन कोई एक चट्टान का एक टुकड़ा लेकर आए और उसका भार अपन ने मान लिया कितना है फ्रेंड्स, 10 kg है। उसका भार अपन ने कितना मान लिया, 10 kg है। अब फ्रेंड्स अपन यहाँ पर ले रहे हैं इसे, अब यहाँ पर 10 kg या अपन ने मान लीजिए 60 kg भार मान लिया उसका, 60 kg है। तो पृथ्वी पर अगर वो आ जाएगा तो उसका भार कितना हो जाएगा, अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई 60 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, यानी कि वह कितना हो गया, 10 kg हो जाता है। तो उसके भार में क्या आया, परिवर्तन आ गया। तो अपना जो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, उसका भार बदल जाएगा लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं फ्रेंड, इसलिए भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नियत रहेगा। सेकेंड ऑप्शन अपना इसका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर कार्य कर रहे हैं तो उनके मध्य कोण कितना होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा है, विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में जब कार्य कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स किसी वस्तु पर, एक ही दिशा में अपन मान रहे हैं या अपन मान रहे हैं समांतर कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा कैसा होता है, 0 degree। ये अपन मानते हैं कि वहां पर कैसा होता है, 0 degree होता है। लेकिन जब अपन कह रहे हैं कि ये इधर से एक ही सरल रेखा पर कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कर रहे हैं, एक इधर से कर रहा है और एक इधर से कर रहा है, तो इनके मध्य का कोण, ये कोण पूछा है फ्रेंड। तो ये कोण 120 का भी नहीं हो सकता, 90 का भी नहीं हो सकता, ये कोण कितने का होगा, 180 degree का होगा फ्रेंड। ये कोण 180 degree का होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना इसमें सही होगा। जब एक समान रेखा में करते हैं या समांतर रेखा में आ रहे तब तो 0 degree होता है, और जब विपरीत दिशाओं से आ रहा है तो वह 180 degree होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभिकेंद्रीय बल के लिए असत्य कथन कौन सा है, जो अभिकेंद्रीय बल है असत्य कथन। तो ऑप्शन देखिए, इसमें बल की दिशा सदैव बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। परिणामी बल सदैव समान रहता है, अभिकेंद्रीय जो बल होता है उसमें परिणामी बल सदैव रहता है, बल की दिशा सदैव परिधि की ओर होती है और इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर अपने क्या आएगा, उस आंसर पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास यह कोई एक वस्तु है, गोलाकार वस्तु है, ये इसका केंद्रक है, ये अपन ने मान लिया इसका केंद्रक है। अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है, अब अपन मान रहे हैं कि फ्रेंड्स अभिकेंद्रीय बल यानी कि इसके चारों ओर अपन मान रहे हैं चक्कर काटा जा रहा है, ये चक्कर काट रहे हैं, तो इसमें बल की दिशा सदैव बदल रही है, बिल्कुल सही बात है। ये दिशा जो हो रही है ये लगातार अपन देख रहे हैं फ्रेंड्स, बल की दिशा लगातार बदल रही है। परिणामी बल जो है वह सदैव समान रह रहा है, परिणामी बल यानी टोटल जो बल लग रहा है वह समान रह रहा है, ये भी बात सही है। सेकेंड ऑप्शन भी अपन मानेंगे कि इसमें सही आ रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें बल की दिशा सदैव परिधि की ओर होगी। अब जो बल लग रहा है उसकी दिशा सदैव परिधि की ओर इसमें नहीं होगी फ्रेंड, क्योंकि अपन मानेंगे अभिकेंद्रीय बल में जो दिशा होती है वह हमेशा किधर होती है, उसके केंद्र की ओर होती है, नहीं कि परिधि की ओर होती है। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वह इसमें असत्य होगा और अपना सही आंसर भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, थर्ड। अगला देखिए फिर,
गुरुत्व त्वरण के लिए सत्य कथन कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण शून्य होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण अधिकतम होता है, और गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण जो होता है वह शून्य ही होता है, बिल्कुल सही बात है, और पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण भी अधिकतम होता है, और गुरुत्व त्वरण का मान भी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है स्क्वायर, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर अपने क्या है, सही है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपने चुंबकीय बल के लिए सत्य कथन है, यह है आकर्षी बल है, चुंबकीय बल के लिए आकर्षी बल है, सही है, यह प्रतिकर्षी बल भी है, यह भी सही है, यह आकर्षी बल भी है, प्रतिकर्षी बल भी है, उपयुक्त सभी। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने को काफी कंफ्यूजन में डालते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन तो कह रहा है आकर्षी बल है जो सही है बिल्कुल, दूसरा कह रहा है प्रतिकर्षी बल है ये भी सही है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल में आकर्षी बल और प्रतिकर्षी बल दोनों होते हैं, और वह प्रदर्शित कर रहा है अपना थर्ड ऑप्शन, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को सही मानेंगे, यानी कि अपना तीसरा ऑप्शन ये आकर्षी बल भी है और प्रतिकर्षी बल भी होता है, क्योंकि चुंबकीय बल जो होता है उसमें दो ध्रुव चुंबक में आयन और ऐसे होता है, हमेशा जब उन्हें रखा जाता है तो फ्रेंड्स उनके विपरीत ध्रुवों को पास में रखते हैं, क्योंकि विपरीत ध्रुवों के मध्य तो क्या होता है, आकर्षण होता है, विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है, और जब समांतर ध्रुव आ जाते हैं पास पास में तो क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपने एक कंघी है, कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर उससे कागज के टुकड़े क्यों चिपक जाते हैं? अब यहाँ पर कंघी की जगह अपन जैसे बचपन में करते थे फ्रेंड्स, अपने स्केल आती थी उसको भी बालों से रगड़ कर अपन नीचे करते थे, धूल मिट्टी के कारण कागज वगैरह उससे चिपकते थे, उसका कारण पूछा है। तो स्थूल विद्युत आवेश बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल, तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन दे रहे हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए अपने को कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है तो अपन थोड़ा सा दिमाग क्या लगा सकते हैं, घर्षण बल यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा, चुंबकीय बल भी यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा, और गुरुत्वाकर्षण बल का तो कार्य करने का सवाल ही नहीं है, तो बचा कौन सा, अपना स्थिर विद्युत आवेश बल बचता है जिसके कारण ये क्रिया हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है? ज्वार भाटा यानी कि समुद्र की जो लहरें होती है वह काफी ऊंचाई तक उठती है फिर वापस से गिरती है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो ऑप्शन स्थिर विद्युत आवेश बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। तो इन चारों की अगर अपन बात करते हैं तो फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये अपना एक समुद्र है और इससे लगातार लहरें ऊपर उठती है फिर वापस नीचे गिर रही है, ऊपर उठकर वापस नीचे गिरे, तो ऊपर उठना तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ज्वार कहलाता है, और ऊपर उठते तो उस पर क्या लगता है फ्रेंड्स, चंद्रमा का क्या लग रहा है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जब लग रहा है तो यह लहरें क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, यानी ज्वार क्रिया हो रही, लेकिन ऊपर जाकर वापस इस पर फिर क्या लग रहा है फ्रेंड्स, अपनी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसके कारण से यह लहरें क्या आ जाती है, वापस नीचे आ जाती है, जिसे अपन भाटे के नाम से जानते हैं, यानी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तो ज्वार आता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भाटे की क्रिया होती है, यानी ज्वार भाटा किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, अपना सेकंड ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे अपने 15 क्वेश्चन जो मैंने बल से तैयार किए थे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, संख्या चेंज हो सकती है फ्रेंड्स, मेथड वही रहेगी, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको याद हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए और ये जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर जरूर करना है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।